ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है जो हमका शोषण करते हैं, हमारी बहन बेटी पर तमाम अत्याचार करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, यानी तमाम हत्याएं करते हैं, तमाम घटना हो रही है। हमारे भाई चंद्रशेखर जी सब जानते हैं और कार्रवाई कर करके दिखा दिया है उन्होंने कि हमारा हत्या कौन है। आप ऐसी पार्टियों से, ऐसे लोगों से, ऐसे खतरनाक लोगों से, ऐसी खतरनाक व्यवस्था से आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। अपने ताकत को जगाओ। हम सब गरीब भाई हैं तो गरीब की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर गरीब क्यों भैया? क्योंकि हम वोट का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। हम अपने आदमी को, अपनी पार्टी को पहचानने की ताकत नहीं रखते हैं, इसलिए आपको अपनी ताकत पहचान लो। मेरा संदेश यही है और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी वैसी मान लीजिए जो 85-90% लोग होते हैं या चाहें तो ये सत्ता बढ़ सकते हैं, ये भारत हमारा है, इन बदमाशों का भारत नहीं है। इन्होंने हमारे देश को छीन लिया है, ये भारत हमारे आप सबका है। ये विदेशी लोग हैं जिनसे आज़ादी हमको ले ली है। इसी के साथ मैं अपनी बारों को यही समाप्त करता हूँ। आपको एक होकर के हमको संघर्ष में तैयार होना है और जो उन्होंने कार्यक्रम रखा है उनको बार बार मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ वितरण किया जाएगा कुछ करिए, इसके लिए वो बधाई मान रहे हैं। 10 मिनट के अंदर इस कंबल वितरण समारोह में उपस्थित होने वाले हैं। हमारे बीच में प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय बाबूजी स्वयं प्रकाश बेदी जी आ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बोधी मंच पर अपने स्थान पर हैं। बोधी साहब, ओबीसी समाज द्वारा गरीब लोगों में जो सर्दी के कड़ाके की ठंड पड़ी है उसमें कंबल वितरण का जो आयोजन किया जा रहा है वो आजाद समाज पार्टी के बैनर तले ये कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे सम्मानित ओबीसी समाज के भाई डॉक्टर जीएस बघेल जी, वेद प्रजापति जी और भी हमारे सभी सम्मानित साथी जो इस कार्यक्रम में आयोजित कर रहे हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भाई चंद्रशेखर हर कदम पर उनकी सहायता के लिए दौड़ते हैं, जाते हैं। इससे पहले कुछ दिन हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री जी आदरणीय सरकार मोदी जी ने कंबल वितरण किए गरीबों को, और गरीबों की सेवा करना, गरीबों की सहायता करना और उनकी मदद करना, उनके दुख और दर्दों में खड़े हो जाना, यही भीम आर्मी का उद्देश्य है और आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य है। तो हमारे डॉक्टर जे एस बघेल साहब की तरफ से जो कंबल वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित होने वाले हैं उनके द्वारा यह कार्यक्रम होगा, मैं ऐसे महान योद्धाओं को जो जनहित के गरीबों के हित में काम करते हैं, डॉक्टर जी एस बघेल साहब, हमारे मोदी जी और हमारे जो भारतीय समाज में सम्मानित लोग हैं, मेरी तथागत से प्रार्थना है, बाबा साहब से ये प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को बहुत बल मिले, ताकत मिले। साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सुनील कुमार सत्तर जी आ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान का ग्रहण करें। Thank you.
बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत का नाम रहेगा। सुनील कुमार चित्तौड़ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील कुमार चित्तौड़ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तालियों से स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत है। सिटी शिक्षा को भी माला फहरा करके उनका स्वागत करें। जय जगन्नाथ जी प्रजापति। जोरदार तालियों से स्वागत है। सम्मानित साथियों, राधा सुमणी तथागत गौतम बुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, साथियों आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हमारे जो पदाधिकारी हैं डॉक्टर जी एस धर्मेश जी, सॉरी डॉक्टर जी एस बघेल साहब और अवरनाथ प्रजापति जी, इंजीनियर साहब सी पी सिंह, आज ये हमारे सम्मानित साथियों ने गरीबों को कम्बल वितरण करने का ये आज यह कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम की आज मुख्य अतिथि आनंद समाज पार्टी घनश्याम के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी आज के मुख्य अतिथि हैं। वो उनके कर कम्बलों द्वारा और ये कम्बलों का वितरण किया जाएगा। साथियों इस मौके पर क्योंकि आज का दिन भाषण का दिन नहीं है, परंतु दो मिनट में मैं जो यहाँ पर जितने भी साथी हैं उन्होंने थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे ज्योतिबा फुले हों, माता सावित्रीबाई फुले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, कबीर साहब हों, संत रविदास जी हों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के सैकड़ों हमारे जो महापुरुष हुए हैं साथियों, उन्होंने सिर्फ एक ही अपने दलित शोषित पिछड़े समाज से उनका सिर्फ एक ही आह्वान रहा है कि शिक्षित बनो, शिक्षा से ही बुद्धि आती है, बुद्धि आएगी तो आप तरक्की करोगे, अच्छे कार्य करोगे, और जब शिक्षा नहीं होगी तो साथियों आप जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करोगे। इसलिए आपने देखा होगा जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, कल ही आपने देखा होगा मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया और वो पैसा किसका था? आपका गरीबों के टैक्स का, हमारे आपके गरीबों के टैक्स का पैसा जो हम नमक से लेकर के आटा खरीदते हैं, सब जो भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स जाता है, वो पैसा पानी की तरह बहाया गया। जो ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि अगर मंदिर की तरफ जाओगे तो गुलाम बनोगे, गुलामी की मानसिकता आपके मनों में मन में आएगी, और स्कूल में जाओगे तो आप वैज्ञानिक बनोगे, स्वाभिमानी बनोगे। तो साथियों मंदिर में जाने से तो सिर्फ जो भिखारी बनते हैं वहाँ घंटा भाव लाइन में खड़े हो, और वही इस समय वर्तमान में जो सरकार है 5-5 किलो अनाज पर आपको जिंदा रखना चाहती है, सिर्फ न आपको रोजगार देगी, न शिक्षा देगी और न ही आपकी जो उन्नति करेगी, क्योंकि शिक्षा से ही उन्नति होती है। जितने भी सरकारी जो स्कूल हैं उनको बंद करते जा रही है वर्तमान गवर्नमेंट, जितना पैसा कल जो मंदिर के नाम पर बहाया गया
अगर इस पैसे को हर जिले में एक एक स्कूल खोल देते, विद्यालय खोल देते और गरीबों को फ्री में शिक्षा देते तो देश उन्नति करता। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन समाज के महानायक मानवत कांसीराम साहब और सभी संत पुरुष महान पुरुषों को जिन्होंने बहुजन समाज के कल्याण के लिए संघर्ष किया, सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के अंदर गरीबों कमजोरों की एकमात्र आवाज आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का सम्मान करते हुए आजाद समाज पार्टी कांशीराम के जिला प्रभारी जेएस बघेल, डॉक्टर जेएस बघेल और जिला संगठन मंत्री अवगणनाथ प्रजापति जी और उनके साथियों के द्वारा आज यहां पर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क टेढ़ी मैया पर कंबल वितरण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के मंच पर हमारी पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री और यहां के लोकप्रिय समाज सेवी और नेता अम्बेडकर अनुयायी और बहुत तरह के प्रचारक हमारे बड़े भाई आदरणीय श्याम प्रकाश मोदी जी, हमारी पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बड़े भाई आदरणीय रामपाल मेहता जी, मंच पर उपस्थित इंजीनियर सीपी सिंह साहब कैसी जी और बड़े भाई आदरणीय उदयवीर सिंह जी, हमारे जिले के पंडल संगठन के प्रभारी डॉक्टर सतीश तंगम जी, भूप सिंह जी, नंद किशोर चौधरी साहब और सभी मंच पर बैठे हुए सम्मानित हमारे बुजुर्ग नौजवान, हमारी माता बहनें, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, हमारी माता बहनों, भूप सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने निस्वार्थ भावना से यहाँ ये टेंट का आयोजन किया है। पत्रकार बंधु साथियों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जे एस बघेल साहब और अवरनाथ प्रजापति जी, इंजीनियर सी पी सिंह जी और इनके सहयोगियों का इस मंच से सम्मान करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। इन्होंने अपने दिल में ये भावना पैदा की कि हमें कुछ ना कुछ अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे तो ये सारी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में भारत सरकार की दी है। प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार और नगर निगम की सरकार, तीनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है। संविधान बाबा साहब ने लिखा उस समय उनके संज्ञान में था, क्योंकि उन्होंने पढ़ने लिखने के बाद ये जानकारी कर ली थी कि भारत में गांव-गांव में मोहल्ले-मोहल्ले में रहने वाले जो भारत के नागरिक हैं उनको हजारों साल से शिक्षा से वंचित किया गया, जिसके कारण वह दिमागी रूप से विकसित नहीं हो पाए, खाना खाकर बड़े हो गए, उन्हें रोजी रोटी नहीं मिली, सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिली, ना उनके पास जमीन थी जिसको जोत कर बेच कर वह अपना जीवन यापन कर सकते थे, ना उनके पास बाग बगीचे थे, ना उनके कोई कारखाने और दुकानें थी। ऐसे लोग लगभग 85%
इस देश में लोग हैं जो 6,743 जातियों में बांट दिए गए, इनको छोटी जात बड़ी जात बताकर इनको अलग कर दिया गया और इनके बारे में समय समय पर जो मनुवादी मानसिकता के संत गुरु हुए उन्होंने ये कहा कि ढोल गमार शुद्ध पशुनारी सकल तावर के अधिकारी हम लोगों को इस देश के 85% लोगों को जानवर की तरह बताया गया, हमारी महिलाओं को पशुओं की तरह और जानवर की तरह बताया गया, कहा गया कि जैसे जानवर को मार पीट के काम लेते हैं ऐसे स्त्रियों को मारो पीटो इनसे काम लो। और जो ये 6,743 हिंदी मानसिकता के लोगों का इस देश में गुणगान होता है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे विश्व के सबसे महान विद्वान और महात्मा ज्योतिबा फूले जो इस देश के अंदर हमारी माँ बहनें औरतें हैं इनको शिक्षा देने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और उनसे कहा कि आप लड़कियों को पढ़ाने का काम करो। महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने हम बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। ऐसे लोगों के लिए साहू जी महाराज जिन्होंने कोल्हापुर राज्य में लोगों को हिस्सेदारी देना शुरू किया, ऐसे लोगों को भी इस देश के अंदर जो मनुवादी सरकारें हैं वह कभी भी उनका गुणगान नहीं करती हैं, कभी भी ऐसे संत गुरु महान पुरुषों का मेले के रूप में आयोजन नहीं करती है। ये उनकी गलत मानसिकता है, इस बात की जानकारी बाबा साहब को थी इसीलिए उन्होंने भारत के संविधान में ये प्रावधान किया था कि भारत की मिट्टी में पैदा होने वाला भारत का नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म का है किसी भी जात का है उसको रोटी कपड़ा मकान देने की जिम्मेदारी सरकारों की होगी। जो सरकार हमारे लोगों से वोट लेकर बनती है उन सरकारों की जिम्मेदारी बाबा साहब ने संविधान में निश्चित की थी कि वोट लेकर बनने वाली सरकारें जनता को रोटी कपड़ा मकान दे, शिक्षा सम्मान दे, रोजगार दे, सुरक्षा दे, विकास दे। लेकिन बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर 76 साल संविधान को लागू हुए हो गए अभी तक संविधान के अनुसार सरकार के लोग काम नहीं करते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने अपने समय में कहा हे इस देश के कमजोर लोगों मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवाया है, मैं आपके लिए अंग्रेजों की सरकार के समय लंदन गया, 1930 में 31 में 32 में मैंने आपकी हालात को अंग्रेजों के सामने रखा, मैंने कहा कि भारत में 85% लोग ऐसे हैं जिनको मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी नहीं मिल रही है, उनको जानवरों की तरह रखा जाता है, तब मेरी बात सुनकर अंग्रेजों ने वोट डालने का अधिकार आपको दिया है। उनको कंबल मिल जाए तो माता बहने कृपया जाते रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार शुक्ला जी गरीब सहाय महिलाओं को कंबल प्रसन्न कार्य कर रहे हैं। हमारा नाम क्या है?
आपको कंबल मिल रहा है आपका सर, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस समय अपने धार्मिक अनुष्ठान पर चल रहे हैं और अपना धार्मिक संस्कार या कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जो हमारे देश के अंदर सर्दियां जानलेवा बढ़ रही है, उसको देखते हुए आप ये बताएं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है जो इस समय सर्दी बढ़ रही है, गरीबों की परेशानियां बढ़ रही हैं और लोग सर्दी के कारण कुछ लोग तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इस समय प्रधानमंत्री जी की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं मौसम के हिसाब से और समय को देखते हुए? मेरा नाम सुनील कुमार चित्तौड़ है, मैं उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का अध्यक्ष हूँ। जो शीतलहर चल रही है इसके लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है, समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार जनता यदि कहीं कष्ट में आती है, जनता को कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, इसके लिए भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि सरकार आम जनता के कल्याण के लिए कदम उठाए और जनता को सुरक्षित रखे, जनता को हर प्रकार की सुविधाएं दे। शीतलहर में आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि सरकार जिला अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक बस्ती और मोहल्ले और गांव के अंदर अलाव जलवाती है, विशेष अभियान चला के कंबल वितरण करवाती है, विशेष अभियान चला के जो रैन बसेरा होते हैं वो जगह जगह पर चौराहे चौराहों पर स्थापित कराती है, उन रैन बसेरों में रजाई गद्दे लकड़ी हर प्रकार की सुविधाएं देती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि भारत की मिट्टी में पैदा होने वाला भारत का नागरिक, उसको रोटी कपड़ा मकान देना, उसकी सुरक्षा करना, उसको शिक्षा देना, चिकित्सा देना, सारी जिम्मेदारी सरकार को करनी चाहिए, ऐसा भारत का संविधान कहता है। सर, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जो एक घटना घटित हुई थी, गोली कांड हुआ था, उसको देखते हुए आज जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर जो एक कवि हैं कुमार विश्वास जी, उनको एक विशेष सुरक्षा बल सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी को कुछ व्यवस्था मिली है? आपने सही प्रश्न किया है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार सबकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए। भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर अभी पिछली ईद के अवसर पर देवबंद में उत्तर प्रदेश में जानलेवा हमला हुआ, उन पर 5 फायर हुए, एक गोली उनके पेट को चीरते हुए घायल करते हुए निकल गई, कई दिन वो अस्पताल में रहे तब जाके ठीक हुए। और चंद्रशेखर जी देश के अंदर एक उभरते हुए नेता हैं, ऐसा पूरे देश में देखा गया है कि कहीं भी वो जाते हैं 5-6 हज़ार की भीड़ उनको देखने और सुनने के लिए आ पाती है, खासकर युवा वर्ग उनको बहुत पसंद करता है। तो ऐसे नेता की सुरक्षा होनी चाहिए, इस संबंध में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी को एक ज्ञापन भी दिया था, तो उसके बाद उन्होंने एक गनर दिया है। तो एक गनर इतने बड़े नेता के लिए उपयुक्त नहीं है,
आपने सही कहा कि कुमार विश्वास या इस प्रकार के अन्य बहुत से लोग हैं आर्टिस्ट हैं, उनको वायु श्रेणी की जेट श्रेणी की सुरक्षाएं मिली हुई हैं, किसी को हाईकोर्ट के माध्यम से मिली हुई है, किसी को सरकार ने डायरेक्ट दे रखी है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई चंद्रशेखर को भी उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और उचित सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए वायु श्रेणी की जेट श्रेणी की, जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रहे और वह लोक कल्याण के कार्य में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से लगे रहें। सर, जिस प्रकार से जो शीतलहर चल रही है जानलेवा, उसको देखते हुए आपकी पार्टी की तरफ से गरीबों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, हमारी पार्टी नई पार्टी है, अभी 4 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग, पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग जहाँ भी सक्षम हैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों में उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। कहीं लकड़ियाँ वितरण कर रहे हैं, कहीं कम्बल वितरण कर रहे हैं, कहीं शॉल वितरण कर रहे हैं। तो जितनी पार्टी में क्षमता है उतना हम लोग कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में आगरा के टेढ़ी बगिया क्षेत्र में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क पर हमारे वहाँ जिला प्रभारी हैं डॉक्टर जेएस बघेल साहब और जिला संगठन मंत्री अवरनाथ प्रजापति जी और पूर्व इंजीनियर हैं सीपी सिंह जी, उन लोगों ने आज लगभग 250 कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा पार्टी के तत्वावधान में। मैं उसमें स्वयं उपस्थित रहा, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय श्याम प्रकाश बोधी जी भी उपस्थित रहे और हमारे मुकेश जाटव जी भी उपस्थित रहे और सभी हमारे पदाधिकारी रामपाल नेताजी भी उपस्थित रहे, मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश संगम जी भी उपस्थित रहे। तो अच्छा कार्यक्रम हुआ आज और अच्छा लगा कि काफ़ी लोग ऐसे शीतलहर में ठुठरते हुए आए और वो कम्बल ओढ़ कर गए हंसते हुए। तो हम चाहेंगे कि ये निरंतर हमारा काम चलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर शीतलहर चल रही है, ठंड बढ़ रही है, उसको देखते हुए आपने भी अपनी तरफ से भी कुछ काम किया और आपकी पार्टी की तरफ से क्या क्या कार्य हो रहे हैं गरीबों के लिए? बताया कि हमारी पार्टी तो गरीबों की ही है। अमित जी, मैं अपना पहले परिचय दे दूँ, श्याम प्रकाश मैं लिख दूँगा। अच्छा, तो ऐसा है कि गरीबों की पार्टी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सुनील कुमार छत्तौड़ जी ने भी 1 जनवरी को अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में उन्होंने भी गरीबों को भोजन दान दिया था और 3 और 4 तारीख को माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर हमने स्वयं कम्बलों का वितरण किया था गरीब लोगों को। आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की देख रेख में आगे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने अपने हाथों से आज़ाद समाज पार्टी का बैनर लगा करके टेढ़ी बगिया पर आज भी गरीबों को कम्बल वितरण किया। तो ऐसा है कि हम गरीबों के पार्टी है तो गरीबों को हमको दुख दर्द ज़्यादा महसूस होता है, तो ये कार्य जो है अपने स्तर से करते रहते हैं। ये वास्तविकता ये है, ये वैसे तो सरकारों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, प्रत्येक नागरिक को रोटी कपड़ा मकान देने की जिम्मेदारी सरकारों की है, ऐसी भारतीय संविधान में व्यवस्था है, परंतु सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाती। और जिस प्रकार से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पर जो गोलीकांड हुआ था और आज आइए युद्ध के अंदर, जबकि सुरक्षा व्यवस्था है, फिर भी कवि हैं कुमार विश्वास जी, उनको स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था दी गई है वहाँ घूमने के लिए, तो आप इस व्यवस्था को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें ज़्यादा जान का खतरा है, और एक कवि है जो कि कभी भी उसने अभी ये भी नहीं बोला कि हमें किसी से खतरा है और उनको सुरक्षा दी गई है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की ये तो नीति के अनुसार होता है, सरकार की जो पॉलिसी है तो वो जो पूंजीपति हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग हैं और उनके हिसाब से वो जो उनकी लाइन में चलते हैं, उनकी विचारधारा में चलते हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। वो सुरक्षा व्यवस्था जो भी खर्चा आता है वो देश के प्रत्येक नागरिक को बयान करना पड़ता है, परंतु वो अपने हिसाब से अपने तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
और भाई चंद्रशेखर जी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनको तो कई बार हमने आंदोलन किए, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया और जिला स्तर पर भी किया, परंतु राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जो भाई चंद्रशेखर जी करोड़ों लोगों के इस समय रहनुमा बन चुके हैं, उनकी उन्हें चिंता नहीं है सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए, उन्हें आवश्यकता नहीं समझी जो, तो वो अपने लोगों को जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था में भी, तो वो देंगे नहीं माल में हमें, वो नहीं देंगे जो गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले मरते रहो रोज, उन पर हमले होते रहे, भारत सरकार को भारत सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। तो आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।